नमस्ते फ्रेंड, मैं सरिता आप सबका स्वागत करती हूँ अपने गार्डन में। और आज की वीडियो की शुरुआत करती हूँ सुंदर से कैलेंडुला फ्लावर के साथ। तो ये देखिए मेरे कैलेंडुला के, इसमें चार प्लांट लगाई हूँ। ये बड़ी सी सब्जी वाली टोकरी है और इसमें ये किनारे जो कट्टे होते हैं वो करके फिर इसमें मिट्टी डाल के और मैं लगा रही हूँ। और मेरे प्लांट देखिए बड़े हेल्दी हैं और बहुत सारी कलियाँ आ रही हैं। और कैलेंडुला जो है कि एक मेडिसिनल प्लांट भी होता है और बड़े खूबसूरत इसमें फ्लावर होते हैं, येलो कलर के भी आते हैं और गोल्डन येलो में भी आते हैं। और ये मेरा ऑरेंज कलर में है कैलेंडुला, जो हम सितंबर अक्टूबर में इसके सीड्स ग्रो कर सकते हैं। और अगर अभी तो सीड्स ग्रो करने का टाइम नहीं है आपके पास, अगर इसका प्लांट नहीं है तो आप नर्सरी से बने बनाए प्लांट ला सकते हैं। और ये बहुत ही सुंदर प्लांट होता है और बड़े ही प्यारे प्यारे फूल खिलते हैं। और ये सिर्फ सीड से ही ग्रो हो सकता है, इसकी कटिंग वगैरह नहीं लगती है। और ये सीजनल प्लांट है तो इसे आप छोटे से पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा बुशी हो जाता है और बढ़िया फ्लावरिंग करता है। और बात करें इसमें वाटरिंग की, तो इसमें वाटरिंग आपको बहुत कम करनी पड़ती है, क्योंकि ज़्यादा अगर हम पानी डाल देते हैं तो इसकी लीव्स येलो होकर गिरने लगती है। और इसे हम 8 इंच के पॉट में भी ग्रो सकते हैं और 10 इंच के पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं। और बहुत अच्छा इसका फ्लावर होता है, कई दिन तक स्टे करता है। और देखिए ये बहुत बड़ा फ्लावर है और ये पूरा डार्क ऑरेंज में है। और इसका जो मैरीगोल्ड वाला कलर आता है, येलो कलर, उसमें भी आते हैं। पिछले साल मेरे पास वही कलर था पर इस साल ये है। और इसके सीड्स बड़े आसानी से ग्रो हो जाते हैं और देखिए कितना बुशी हो रखा है। और इसमें कोई भी पेस्ट अटैक नहीं होता है फ्रेंड। और इसके अगर आसपास भी हम कोई प्लांट रख देते हैं तो उसमें भी कोई पेस्ट अटैक नहीं लगते हैं और बड़ा अच्छा चलता है ये। और अगर इसमें आपके पास प्लांट है और फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आप वर्मी कंपोज और कार्डन कंपोज इसको फर्टिलाइज कर सकते हैं। और जो भी सीजनल प्लांट होते हैं, मेरा मानना है कि उसमें हम जो लिक्विड फॉर्म में फर्टिलाइज़र डालते हैं वो बहुत बेस्ट होता है और प्लांट जल्दी से ले भी लेता है। तो आप इसमें लिक्विड फॉर्म में ही दीजिए और थोड़ा सा फंगीसाइड जरूर डालते रहिए, नीम की खली हो या जो भी फंगीसाइड आपके पास अवेलेबल हो वो ज़रूर आप डालिए, जो भी कंपोस्ट डालते हैं उसमें डाल करके, ताकि मिट्टी में कोई भी फंगस ना लगे। और इसके कई सारे प्लांट लगाए एक साथ तो बड़े सुंदर लगते हैं। मैंने 4 प्लांट एक ही में लगा दी हूँ और देखिए इसमें भी कलियाँ आ रही हैं। और ये बहुत बड़ी टोकरी है, जो सब्जी की टोकरी होती है, इसमें ही लगाई हूँ मैं। और विंटर में इसे आप फुल सनलाइट में रखिए, क्योंकि ये फुल सनलाइट का ही प्लांट है। अगर आप इसको छाए में रखते हैं तो फ्लावरिंग नहीं होगी, सिर्फ इसमें लीव्स ही लीव्स दिखेंगी। और जब इस पर फुल सनलाइट पड़ती है तो इसके फूल बड़े खिल के आते हैं, बड़े बड़े भी आते हैं। देखिए कितना बड़ा फूल खिला है ये और बड़ा ही प्यारा है ये। कलर इसमें आपको येल्लो ही मिलते हैं, हल्के कलर में, डार्क कलर में, ऑरेंज कलर में, और बड़े सुंदर लगते हैं। बस इस प्लांट को आप वाटरिंग से बचाइए, ज़्यादा वाटरिंग मत करिए वरना आपका प्लांट ख़त्म हो जाएगा। और बस इतना, इसकी मिट्टी को ज़्यादा ड्राई भी नहीं होने देना है, थोड़ा नमी बना के भी रखनी है। और फुल सनलाइट में रखिए, आपका प्लांट बहुत अच्छा चलेगा। और समय समय पर फर्टिलाइज़ करते रहिए, जो भी फर्टिलाइज़र डालते हैं वो लिक्विड फॉर्म में दीजिए, आपका प्लांट बहुत अच्छा फ्लावरिंग करेगा और आपका गार्डन बड़ा सुंदर लगेगा। कैलेंडुला मुझे बहुत पसंद है और बहुत प्यारा कलर भी खिलता है, फ्लावरिंग बड़ी अच्छी आती है इसमें। और ये थोड़ा जरबेरा की तरह मुझे लगता है, ये देखिए स्टॉक इसके निकलते हैं, नीचे से एक स्टॉक निकलता है और उस पर एक फूल आता है। और जो भी इसके स्पेंट फ्लावर हो वो आप हटा दीजिए, क्योंकि इस समय सीड्स मत बनने देना। अगर सीड्स बन जाता है तो प्लांट अपना सब फोकस सीड्स बनाने पे कर देता है, एनर्जी फिर बाकी कलियों को खिलाने में नहीं लगाता है। तो आप मार्च अप्रैल तक इसके सीड्स कलेक्ट कर सकते हैं और ये नवंबर से लेके मार्च लास्ट तक आपके गार्डन में बना रहेगा और फूल खिलता रहता है। और फूल भी इसके बड़े लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और बहुत प्यारे लगते हैं इसके फ्लावर।
तो आज की वीडियो बस इतनी ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड। नमस्ते।